ये एरिया स्टॉक पाइल के नाम से इसको देखा जाता है। स्टॉक पाइल का मतलब ये है कि जो अंदर टनल बने हैं उससे जो मटेरियल निकलता है, जो पत्थर और मट्टी और जो कुछ है, वो यहाँ पे आके स्टॉक किया जाता है। फिर यहाँ से आगे बैचिंग प्लांट की तरफ ये खुदकार निज़ाम के जरिए मूव करते हैं, और फिर वहाँ से जो बजरी निकलती होगी इससे क्रश बना के, तो फिर दोबारा इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ये डाइवर्जन टनल है और दरिया यहाँ से गुजारा जाएगा एक, और एक ये DT2 है, मतलब डाइवर्जन टनल 2। इससे आगे जो है डाइवर्जन टनल 1 है, उसका भी आपको विजिट दे देते हैं। अब ये दरिया का यहाँ पे बहाव कम हो जाए, मतलब ये नवंबर का महीना है और इसमें दरिया का बहाव कम होता है, तो फिर ये दरिया को वहाँ पे नीचे रकावटें डाल के तो बंद कर दिया जाएगा, तो ये दरिया का रुख इस तरफ मुड़ जाएगा। ये जो एरिया है सामने इस तरफ भी मुड़ेगा, और इससे आगे एक और एरिया है डाइवर्जन कैनाल भी है, तो उस साइड से भी ये दरिया सारा मोड़ लेंगे, तो फिर मेन जो एरिया है जहाँ पे डैम बन रहा है वो वहाँ पे ऊपर मशीनरी आपको काम करते नज़र आ रही है। देखें यहाँ पे, देखें कितनी मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पे 24 घंटे में 3 शिफ्टें चल रही हैं, मतलब 8 घंटे एक शिफ्ट, ये जो मशीनरी लगी हुई है ये एक मिनट के लिए बंद नहीं होता, क्योंकि ये जो डैम है ये पाकिस्तान के बका का ज़मीन है। ये डैम हमारे लिए नागजीर बन चुका है, और इंशाल्लाह ये डैम 2028 के जो टेंटेटिव डेट है उससे पहले तक मिल के तरफ जाएगा। ये अपस्ट्रीम कॉफर डैम है, यहाँ से ये दरिया रोक दिया जाएगा, और ये कैनाल है जहाँ से दरिया का रुख मोड़ दिया जाएगा, और फिर जो पानी ज़्यादा होगा वो पीछे जो एरिया है जहाँ हमने तो आपको दिखाया जो डाइवर्जन टनल है उससे गुजर जाएगा। तो इससे पूरा दरिया सिंह यहाँ पे एक नई तारीख रकम होने वाली है इंशाल्लाह, ये नवम्बर 2023 के एंड में। तो ये पानी क्रॉस होने से पहले हम आपको ये फुटेज दिखा रहे हैं, उसके बाद शायद इस पूरे एरिया में पानी हो। ये एरिया गाइड वाल है, यहाँ से जब पानी का जो प्रेशर पड़ जाएगा तो वो प्रेशर से इसको आगे टूटने का खतरा ना हो, फिर वो यहाँ से डाइवर्ट करके दोबारा फिर दरिया की तरफ लेने के लिए इस एरिया को कंक्रीट किया गया है, और इसको नाम दिया गया गाइड वाल। ये सारे इंजीनियरिंग टर्म है जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके, लेकिन हम बस जस्ट इसके इंफॉर्मेशन ही सुन सकते हैं। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये परमानेंट ब्रिज है, और ये भी इंशाल्लाह महीना डेढ़ दो में तकमील के करीब है। ये आखिरी मराहल में बस इसको टच करने हैं, और ये मशीनरी सारे यहाँ पे काम कर रही हैं। ये परमानेंट ब्रिज, गाइड वाल, और जो मेन जो डैम है जहाँ पे मेन दीवार बनी वो इसी एरिया में जहाँ पे हमारी गाड़ी गुजर रही है, इसी एरिया में वो दीवार खड़ी हो जाएगी, और यहाँ से ही इंशाल्लाह जो पानी के जो क्या कहते हैं टरबाइन है वो इसी एरिया के अंदर ही दीवार में लग जाएंगे, और ये सारा अंडरग्राउंड सिस्टम होगा। ये टेम्परेरी ब्रिज के बिल्कुल साथ ये परमानेंट ब्रिज है, ये ब्रिज डैम बनने के बाद भी काम आ जाएगी, और ये टेम्परेरी ब्रिज है, और इस वक्त ये 80 टन उठाने की सकत रखती है, और इसकी हाइट के अलावा है 15 फीट से ऊपर की, और 80 टन से ज़्यादा इजाज़त नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, देख ले 15 स्पीड है। अच्छा, 15 स्पीड से ज़्यादा नहीं है ना, और ये परमानेंट ब्रिज बन रहा है। ये ऊपर इसके करीब लेबोरेटरी भी है, हम उसका भी आपको विजिट दे देते हैं।
ये यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ। ये जो परमानेंट ब्रिज है बिल्कुल उसके सामने यहाँ खड़ा हूँ। इसके ऊपर जो एरिया है वो लेबॉरेटरीज और मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पे प्लांट है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड इसलिए करा रहा हूँ कि कल ये डैम बन जाए तो फिर इसके जो आबियारी है ना उसमें मेरा भी नाम हो और मेरे ये भाई हाफिज इरफान का भी नाम हो जो मेरे साथ ड्राइविंग के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हाफिज इरफान का ताल्लुक मियांवाली के उस गांव से है जहां हमारे खान साहब पैदा हुए हैं। ये एक इंतहाई दिलेर और मुल्क के लिए जज्बा रखने वाला नौजवान है और इन्होंने इस प्रोजेक्ट में कोई पिछले 2.5-3 सालों से काम किया है। ये FW में होते हैं और फिर आजकल इनकी ड्यूटी वापड़ा के ऑफिशियल और वापड़ा की गाड़ी के साथ लगे हुए हैं। तो आज यहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ऐसे जो शहजादे होते हैं कि जो अपने तड़प और जज्बा लेके कि इस मुल्क के तरक्की में हमारा भी काम हो तो इन लोगों को स्पेशल ट्रिब्यूट पेश करते हैं। यहाँ पे आगे जो स्पेशल खासकर जो हमारे वर्कर्स हैं जो मजदूर तबका है उनके साथ भी हम वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे और इनको भी हम सलाम पेश करेंगे ताकि वो अपने जो अपने हिस्से का जो दिया है ना वो इस मुल्क की तरक्की में जलाते रहे। वस्सलाम।